हेलो स्टूडेंट, पार्ट टू देख लिया था अपन ने। पार्ट टू में मैंने बताया था, है ना? बताया कुछ नहीं, अभी खाली फॉर्मूले लिखवाए और दो एग्जांपल करवाए थे, है ना? तो फॉर्मूले 3 दिन हो गए ना, तीसरा दिन है, ठीक है? तो 3 दिन में अब तो लग रहा है मेरे को याद हो गए होंगे, ठीक है? और दो एग्जाम्पल भी मैंने बताया था। देखो, एग्जाम्पल मैं भी इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से, मतलब क्या क्या मेथड है ना, सूत्र जो फॉर्मूलेज हैं अपन लगा रहे हैं उसका क्या मेथड है, कैसे लगा रहे हैं, है ना? 4-5 5-7 एग्जांपल करा लूँगा ताकि तुमको उसका आइडिया हो जाए, है ना? तो चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं उसमें तुमको ही लगभग सॉल्व करने हैं। समझ में आ गई बात? मैं तो खाली हिंट विंट दे दूँगा, बाकी तुमको ही सॉल्व करने हैं, ठीक है? देखो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? देखो, मैथ्स का रूल है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना? जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा परफेक्ट होंगे, है ना? ऐसे देख के तो तुम खुश हो जाओगे, बिल्कुल ईजी है ना? यानी जब खुद करने बैठोगे तो थोड़ा टफ लगेगा, समझ में आ गई बात? टफ लगेगा तो उसके लिए अपने को सोल्व करने रहेंगे क्वेश्चन, समझ में आ गई बात? तो देखो, क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जांपल में बताना था, एग्जांपल इज प्रूफ दैट में क्या है, 1 upon 1 plus sine theta plus 1 upon 1 minus sine theta equal to 0, ठीक है? मतलब इसको सोल्व करना है, देन ये अपने को लाना है। तो क्या है, देखो, ठीक है, फर्स्ट देखो, सबसे पहले जो भी है जैसे ये दे रखा है ना क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को उतारना है ना सॉल्यूशन में। सबसे पहले फिर से जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 plus साइन थीटा प्लस 1 upon 1 माइनस साइन थीटा, देन क्या कह रहा है, देन क्या करना है? देखो, यहाँ पर क्या करना है अपने को, एलसीएम लेना है, ठीक है? देखो, प्लस यदि लगा हुआ है ना, दोनों साइड कोई भी लोग, है ना, अक्सर साइन कोस टेन कोस एक यही रहेंगे, है ना? तो सीधा सा क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है? एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, 1 plus साइन थीटा 1 minus साइन थीटा, ठीक है? 1 plus साइन थीटा 1 minus साइन थीटा। इसमें ऐसा नहीं है कि पहले जो अपन करते थे 1 upon 2 प्लस 3 upon 4, तो एलसीएम आएगा 4, फिर इसका डिवाइड देंगे 2 आएगा, 2 का गुणा 1 से करेंगे, ठीक है? तो 5/4, ठीक है? ऐसा नहीं होगा, है ना? इसमें सीधा सा 1 upon 1 plus साइन 1 plus साइन 1 minus साइन 1 minus साइन, देन क्या करेंगे, ये पूरा अपने पास क्या होगा, एक पद हो गया, है ना? तो इस पूरे के पूरे का डिवाइडेशन इससे देना है, तो क्या होगा, 1 plus साइन से 1 plus साइन डिजिट कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या, 1 minus साइन थीटा, ठीक है? प्लस, देखो, अगर यहाँ माइनस होता तो अपन यहाँ कोष्टक वोष्टक लगाता, ठीक है? अभी बता रहा हूँ, देखो, इस पूरे का फिर से इसमें डिवाइडेशन देंगे, तो 1 minus साइन से 1 minus साइन इज कैंसिल, तो बचा क्या, 1 plus साइन थीटा, ठीक है? देखो, यहाँ अगर माइनस होता इस जगह तो अपने यहाँ कोष्ट ब्रैकेट लगाते हैं ना, तो ब्रैकेट आफ्टर में बाद में जब ओपन होता है ना, तो यहाँ अंदर माइनस हो जाता, ठीक है? वो अलग बात है, अगर ब्रैकेट आता तो पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है। यहाँ ब्रैकेट है ही नहीं, माइनस है ही नहीं, कुछ लफड़ा है ही नहीं। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस का साइन प्लस का साइन, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, ये कैंसल, है ना? माइनस का साइन से प्लस का साइन कैंसिल हो जाता है, बचा क्या, 1 plus 1 plus 1 अपॉन, देखो अपॉन क्या है, 1 plus साइन थीटा 1 minus साइन थीटा। तो अपन ने पढ़ा है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो उस इस फॉर्मूले में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये इक्वेशन, वन प्लस साइन एंड वन माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी की फॉर्म में अभी है ना, दिख रहा है, ए प्लस साइन ए माइनस साइन, देन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अपने क्या हो जाएगा यहाँ पर, वन माइनस साइन स्क्वायर। देखो यहाँ नेचर समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ यहाँ पर, देखो वन प्लस वन अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो क्यों हुआ, अभी बताया था मैंने, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अब फिर से यहाँ फॉर्मूला लगा, देखो वन प्लस वन तो टू हो गया, अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। फॉर्मूला बेस भी है पूरा चैप्टर, इसलिए फॉर्मूले तो रट लेने हैं, समझ में आ रही बात। देखो क्या होगा, टू अपॉन क्या आया, कोस स्क्वायर थीटा। देखो अगर जो इंटेलिजेंट है वो सीधा कर देंगे, लेकिन एक मैं बताता हूँ, टू डॉट वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, तो अपने को पता है वन अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या है, कोस स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर। तो वन अपॉन कोस स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, टू का टू है ही है, तो आंसर क्या आ गया, टू सेक स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर भी कर सकते हैं सीधा सीधा टू सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन तुम्हारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए इसलिए मैंने ये सोल्व की इक्वेशन, ठीक है। देखो एक है ना, अपने को यही लाना था, अपोज अपन इक्वल टू में से टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है, वन प्लस अपॉन वन प्लस साइन थीटा प्लस वन अपॉन वन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू टू सेक स्क्वायर थीटा अपने को प्रूव करना था, ठीक है। अपन ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ वन इक्वेशन जो क्वेश्चन था वो ए सी टी सी का, देन क्या किया अपने एलसीएम लिया है ना, वन प्लस एलसीएम क्या आएगा, वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा, तो अपने पास पूरा एक एक पद हो गया है ना, इस पूरे का अपने को डिवाइडेशन इससे करना है ना, वन प्लस साइन थीटा से, तो सेम डिजिट जो होगी वो तो कट ही जाएगी है ना, वन प्लस साइन से वन प्लस साइन कैंसिल, तो क्या बचा, वन माइनस साइन, प्लस का प्लस, फिर से इसका इसमें पूरा डिवाइडेशन किया, तो वन माइनस से वन माइनस उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या, वन प्लस साइन थीटा। देन अपन ने क्या किया, वन प्लस वन, वन प्लस वन क्यों आया, क्योंकि माइनस का साइन से प्लस का साइन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, वन प्लस वन अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से आया, वन प्लस साइन वन माइनस साइन क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपन ने क्या किया, वन प्लस वन अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर हो गया है ना, तो वन माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। तो वन टू अपॉन कोस क्या होता है, अब वन अपॉन कोस होता है सेक, तो टू अपॉन कोस क्या जाएगा, टू सेक, सो मेरी बात इन टू में है ना, ये इन टू में इसलिए इसके साथ ऐड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। देन हैंस प्रूफ क्या हुआ, टू सेक स्क्वायर थीटा, समझ में आगे बात। चलो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देख लो, फिर अपन क्या करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल और मैं बता देता हूँ आपको, लास्ट एंड फाइनल, फिर आपको ही करने हैं, प्रूव दैट वन प्लस कोस थीटा अपॉन क्या है, वन प्लस कोस थीटा अपॉन वन माइनस कोस थीटा इक्वल टू यही ना सवाल, ठीक है। ठीक है देखो क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट वन प्लस कोस थीटा अपॉन
वन माइनस कोस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अपने को ये साइड लेनी है सबसे पहले, ठीक है। तो देखो ये साइड में अपन, मैंने बताया था कि एक बार तो क्वेश्चन अपने को एज इट इज नोट डाउन करना ही है, ठीक है। वन माइनस कोस थीटा, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, एक मेथड है ना जिसे हिंदी में बोलते हैं हरों का परिमेयकरण। देखो अपन क्या कर रहे थे, देखो एक मेथड है ना जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हरों का परिमेयकरण, एंड इंग्लिश में बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। डिनोमिनेटर्स यानी पता ही है हर होता है, ठीक है। तो क्या करना है, जो ये हर होता है ना, हर इन इंग्लिश में डिनोमिनेटर्स है ना, इसका या इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स एंड न्यूमिनेटर। देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, वन प्लस कोस थीटा अपॉन वन माइनस कोस थीटा इंटू डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करना है ना, न्यूमिनेटर में भी करना है और डिनोमिनेटर में भी करना है। तो क्या होगा, वन माइनस कोस थीटा एंड वन माइनस कोस थीटा, ठीक है। देखो थोड़ा सा ये माइक चल नहीं रहा आज ये, ठीक है। अंडर रूट का अंडर रूट, देखो इसका जो अपन ने मल्टीप्लाई किया होता कुछ नहीं, अभी इसको पूरी डिजिट डोड़वा दो वापस ये का ये आ जाएगा, बराबर। लेकिन ये एक मेथड है, राइट। तो उस अपने जो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के मेथड लगाया है, समझ में आ रही बात। अभी तुमको क्या सर, इसको तो अभी कट जाएगा या तो वापिस ही आ जाएगा, ठीक है। काटना नहीं है, लेकिन यूनिक काट के वापिस ले लिया, ठीक है। अपने को काटना नहीं, अपने को सोल्व करना है, अभी सोल्व होगा पूरा आगे, ठीक है। मेथड है ना जिसको हरों का परिमेयकरण एंड रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्या होगा, अपने पास क्या आई थी डिजिट, वन प्लस कोस थीटा अपॉन वन माइनस कोस थीटा इंटू वन माइनस कोस थीटा एंड वन माइनस कोस थीटा अंडर रूट का अंडर रूट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वन प्लस कोस थीटा एंड वन माइनस कोस थीटा, ठीक है। देखो क्या बन रहा है ये इक्वेशन, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है ना, बराबर। सिक्स क्लास का फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो वन प्लस कोस थीटा एंड वन माइनस कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस कोस थीटा एंड वन माइनस कोस थीटा, अरे यार थोड़ी सी मिस्टेक हो, ठीक है। देखो मिस्टेक क्या है कि जो अपन ये डिनोमिनेटर करते हैं ना, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स, तो जो हर में जो डिजिट होती है ना वन माइनस कोस थीटा, उसकी अपोजिट साइन में अपने को मल्टीप्लाई करना रहता है ना, अप में भी एंड डाउन में भी। तो देखो अब अपोजिट साइड क्या होगी, इधर वन माइनस कोस थीटा है, तो इधर क्या हो जाएगा, वन प्लस कोस थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा हो जाएगा, बराबर है ना। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है ना, अपने जस्ट अपोजिट साइन में मल्टीप्लाई करना है ना, और न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। आंसर बटा हर, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, देखो ये इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये इसका पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, देखो वन प्लस कोस थीटा एंड वन प्लस कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। नीचे क्या हो जाएगा, वन माइनस कोस थीटा वन प्लस कोस थीटा, समझ रहे हो बात को, वन प्लस कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा वन प्लस कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट का अंडर रूट, ठीक है। देखो वन प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, वन प्लस कोस थीटा इंटू वन प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर है इसका, समझना है ना बात को, होल स्क्वायर है। तो क्या होगा, इसको खोलना नहीं है ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, समझ में आ रही बात, खोलना क्यों नहीं है मैं बताता हूँ अभी।
देखो अभी तो एज इट इज लिखना है, वन प्लस कोस का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस कोस वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अपने को पता है कि वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा का, बराबर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। देखो इतनी बार हर इक्वेशन में ये फॉर्मूले एक या पांच बार तो आते ही आते हैं, तो दिमाग में बैठ जाने चाहिए बिना देखा देखी, है ना, रट जाने चाहिए, मतलब समझ में आ रही बात। तो देखो वन प्लस कोस का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आई। साइन स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि वन माइनस कोस स्क्वायर किस का फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो अपने पास क्या है इक्वेशन, वन प्लस कोस स्क्वायर कोस का होल स्क्वायर अपॉन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, है ना। देखो अब क्या होगा, अपन अंडर रूट हटा लेंगे, हटा क्यों लेंगे, देखो क्योंकि वन प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, देखो दोनों स्क्वायर है ना, पूरे पूरे स्क्वायर है ना, तो जैसे अंडर रूट हटेगा तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, हटने पर क्या होगा, वन अपॉन कोस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर था, स्क्वायर हट गया तो बचा क्या, साइन थीटा अकेला एंड इसके ऊपर होल स्क्वायर था, है ना, तो होल स्क्वायर जैसे ही अंडर रूट हटेगा तो पूरे पे स्क्वायर हट गया, तो क्या बचा, वन प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो नेक्स्ट क्या हो करेंगे अपन, देखो अपन वन प्लस साइन थीटा एक है ना, तो अपन इस पूरे टर्म को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, क्या कैसे करेंगे, देखो वन प्लस साइन थीटा प्लस कोस अपॉन साइन थीटा, ठीक है, कुछ नहीं किया है ना, साइन थीटा को दोनों के नीचे लिख दिया, वन के नीचे लिख दिया एंड कोस के नीचे लिख दिया, तो देखो यहाँ पर भी फिर से फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला क्या बन रहा है, वन अपॉन साइन का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन साइन का फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा प्लस का प्लस एंड कोस अपॉन साइन कोट थीटा होता है। देखो अपने को जो क्वेश्चन पूछा था उसमें यही प्रूव करना था, है ना, कोसेक थीटा अपॉन कोट थीटा, तो अपने पास आ गया पूरा इक्वेशन, है ना, कोसेक थीटा अपॉन कोट थीटा। देखो ये जो क्वेश्चन है ना बोर्ड में, इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% आता है, 100% वन अपॉन कोस थीटा वन अपॉन वन माइनस कोस थीटा, इस जो डिनोमिनेटर्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है 100%, देख लो ना, पाँच लास्ट ईयर के पाँच साल के पेपर उठा करके, है ना, एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा, मतलब इसकी जगह चेंज होगा कुछ साइन होगा, है ना, या फिर सेक होता है हमेशा, है ना, कोसेक भी लगता है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। तो इसमें क्या किया अपने, देखो फिर से एक बार देख लो, क्वेश्चन क्या था, वन प्लस कोस थीटा अपॉन वन माइनस कोस थीटा अंडर रूट इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले हरों का परिमेयकरण किया, बराबर, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। तो क्या किया, रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर्स होता है ना, इसमें डिनोमिनेटर्स क्या है, वन माइनस कोस थीटा, उसका मल्टीप्लाई करते हैं ना, न्यूमिनेटर में भी करते हैं डिनोमिनेटर्स में भी करते हैं, लेकिन साइन चेंज के साथ, साइन चेंज के साथ कैसे, इधर माइनस है तो इधर किस में हो जाएगा, प्लस में होगा, ठीक है, होगा कुछ नहीं, फिर कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेथड है, ये पूरी पूरी टर्म कैंसिल हो जाती है अगर करना चाहो तो, है क्या, एक मेथड है। तो अपन ने क्या किया, वन प्लस कोस्ट, ये वही वैल्यू है ना, तो देखो वन प्लस कोस थीटा वन प्लस कोस थीटा क्या क्या हो जाता है, हमेशा होल स्क्वायर हो जाता है ना भाई, दो को दो से मल्टीप्लाई करोगे तो चार आता है, बराबर, या फिर दो को सीधा ऐसे लिख दो टू स्क्वायर इक्वल टू फोर, है ना, बात बराबर है, बराबर कैसे भाई, दो का मल्टीप्लाई दो से हो रहा है तो फोर रहा, या फिर दो का स्क्वायर करो तो फोर ही आएगा, आठ थोड़ी आएगा, समझ मेरी बात। तो ये थोड़ा सा मेथड है ना, तो क्या होगा, वन प्लस कोस स्क्वायर इंटू वन प्लस कोस, तो क्या होगा, वन प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा ना, वन प्लस कोस इंटू वन प्लस कोस कोस स्क्वायर अपॉन
वन माइनस कॉस वन प्लस कॉस, तो मैंने बताया फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उस फॉर्मूले से ये इसमें फिट हो जाएगा यहाँ पे, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने को पता है कि वन माइनस कॉस, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे नहीं इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दो, ओपन नहीं करना है इसको, है ना, मर्जी जो अपने ऐसे का ऐसे ही इसको रखना है ना। ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, आंसर तो आना ही है लास्ट में, लेकिन क्या होगा अपने ओपन नहीं करना है, पहले ही बताया मैंने, जो भी क्वेश्चन करो इजी से इजी होना चाहिए, है ना, टफ से टफ नहीं होना चाहिए, इजी से इजी करोगे तुम्हारे भी इजी रहेगा और सामने वाले के भी इजी रहेगा, बराबर। नेक्स्ट क्या किया अपन ने, वन प्लस कॉस का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर क्यों आया, वन माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्या किया, वन प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, अंडर रूट हटा तो वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया, क्यों हो गया, स्क्वायर हट जाएगा, है ना, यदि स्क्वायर नहीं होता तो इन पर अंडर रूट ही रहता, समझ में आ रही, अपन ने अंडर रूट क्यों हटाया, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है और ये अपने आप में स्क्वायर है, ठीक है, तो अंडर रूट हटा तो क्या बचा, वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब अपन ने क्या किया, जो साइन थीटा था उसको वन के नीचे भी लिख दिया और उसको कॉस के नीचे भी लिख दिया, तो वन अपॉन साइन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो वन अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है, प्लस का प्लस, एंड कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है, समझ में आ गई बात। तो ऐसे जो है ये इक्वेशन सोल्व होगी, है ना, तो देखो सब फॉर्मूले का ही खेल है, कुछ भी ना तो कहीं एंगल का मान दे रखा है, ना कहीं एंगल पूछा है, कुछ भी नहीं पूछा है, जब तक फॉर्मूले याद नहीं करोगे तब तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, फॉर्मूले तो याद करने ही है, नहीं हाँ किसी भी कंडीशन में फॉर्मूले तो याद करने ही है, समझ में आ गई बात। देखो फोर एग्जांपल मैंने करवा दिया, इसके आगे के जो भी हैं अब मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा 7.1, ठीक है, तो 7.1 में जो क्वेश्चन है उसके 50% आपको करने हैं, 70%, 30% मैं करूँगा, समझ में आ रही बात, ताकि पता चलेगा। देखो मैथ्स का रूल है, प्रैक्टिस मैन मैक्स परफेक्ट, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन दिमाग बैठेंगे, बाकी देख के तुम कह दो अभी कर दूँ मैं, लेकिन जब खुद स्वयं करने बैठोगे तो नहीं होंगे, समझ में आ रही बात, जब ठीक है तो समझ लेना है और फॉर्मूले याद कर लेने हैं, समझ में आ गई बात, थैंक यू। यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लेसन पढ़ रहे थे व्हाट इज अ मिस विथ अस, हमसे क्या गलती हो रही है, उसमें हमने सोशल बिहेविंग टॉपिक लिया था, कुछ इंडिया के इंटेलेक्चुअल थिंग्स के बारे में बात की थी, इंडिया अचीवमेंट्स की बात की थी, और उसके बाद हमने एक टॉपिक लिया था नॉइज़ पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन को हमने काफ़ी डिस्क्राइब में पढ़ लिया था कि हमें कैसे अपनी आसपास की चीज़ों का सेंस रखते हुए अपनी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं उससे अपने आसपास के लोग कहीं इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, उनको कोई हार्म तो नहीं पहुँच रहा है। अब यहाँ पर इसी के आगे हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा लेने वाले हैं, वो है ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसका मैंने एक थोड़ा सा समराइज करके आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि जब भी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं वो एक्सपीरियंस हमारा अच्छा नहीं रहता। अच्छा क्यों नहीं रहता, क्योंकि वो जो व्हीकल्स होते हैं या तो उनकी सीटें फटी होती हैं, उसमें किसी ने गंदगी कर रखी होती है, पाउचेस फेंक रखे होते हैं, कचरा होता है, जो हम अपने पर्सनल व्हीकल्स में कभी नहीं करते हैं। तो क्यों पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ हम इस तरह का एक मिसबिहेव सा करते हैं, तो आज हम उसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। यस, वी ऑल ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रेन और बस एंड हैव हैड मैनी बिटर एंड सैड एक्सपीरियंस। यहाँ बिटर का मतलब है कड़वा, बिटर का मतलब है कड़वा। हमारा जो एक्सपीरियंस होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू, चाहे वो बस हो ट्रेन हो, उसका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ख़राब टाइप का रहता है। वो ख़राब इसलिए रहता है क्योंकि वो चीज़ें हमें क्लीन नहीं दिखती हैं। अब उसको आगे, और ऑर्डरली क्यू सिस्टम एट द टाइम ऑफ आइदर परचेजिंग द टिकट और बोर्डिंग द ट्रेन बस इज रेयरली फॉलोड। अब जब भी हम ट्रेन या बस की टिकट विंडो तक जाते हैं तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा होता है कि कृपया लाइन में खड़े रहें या क्यू में खड़े रहें। तो ये जो क्यू वर्ड है, क्यू मतलब लाइन, तो ये जो वर्ड है, इस ये जो सेंटेंस है, इसका फॉलोअप वहाँ पर खड़े
रेयरली कोई करता होगा कि हम लाइन में सिस्टमेटिकली खड़े रहे, नहीं करते एक दूसरे को धक्का लगा के, और जिसका नंबर पहले आ जाता है वो अपनी मर्जी की सीट ले सकता है या अपना अपनी मर्जी का करवा सकता है रिजर्वेशन. यस, नेक्स्ट लाइन है, एवरीवन इज हिज सेल्फ इंटरेस्ट फ्लॉट्स द जेन्युइन राइट ऑफ अदर. Those who are already occupying a seat would very reluctantly permit other to sit even on the neighboring vacant seat. अब ये बहुत अच्छी बात कही है और हम सबके साथ ही इंसिडेंट होता है और हम सब भी ये करते हैं कि जब भी किसी को सीट मिल जाती है और अपने पास वाली सीट खाली होती है और जब भी उस सीट पे कोई बैठने के लिए आता है तो हम उस सीट को, क्योंकि हम टिकट लेके बैठे हैं तो हमें लगता है कि अगले ने टिकट ली ही नहीं है, तो हमारा अधिकार हो जाता है उस पूरी सीट पर. तो जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो हम अपने पास में जो ऑक्यूपाइंग सीट वुड वेरी सॉरी परमिट अदर टू सिट इवन द नेबरिंग वैकेंट सीट. हम बड़ी मुश्किल से किसी को वहाँ पर बैठने देते हैं. हम पहले पर्सन को देखते हैं कि पर्सन कैसा है, उसके बाद हम उसको कहीं नहीं आ रहा है कोई है यहाँ पर, ऑलरेडी ये रिजर्व है कि कोई बैठा है यहाँ पर, फिर हमें जब लगता है कि सारी बस की सीट भर चुकी है तब जाके हम उस वैकेंट सीट को भरने की कोशिश करते हैं. यहाँ उसमें भी हम सिलेक्ट करते हैं कोई वेल पर्सन, वेल ड्रेस्ड पर्सन कोई दिख जाए तो हम उसी को सीट देते हैं. तो ये एक सोशल बिहेविंग पे, एक सिविक सेंस में एक अच्छी बात नहीं है. When they do so, they grab about half of that vacant seat also. और जब भी किसी को हमने बैठने के लिए सीट दे दी तो हम कोशिश करते हैं कि हम जितना फैल सके उतना फैल के बैठ जाएं और उसको एक पार्ट ऑफ सीट ही अवेलेबल हो सके. तो ये भी हमारा एक सिविक सेंस का लैक है, ये हमारे अंदर की कमी है सेंस की कि हमें इस तरह का मिसबिहेव, टिकट उसने भी खरीदी है, टिकट हमने भी खरीदी है, हाफ सीट उसकी है, हाफ सीट हमारी है, लेकिन जब बैठते हैं तो 3/4 हमारी हो जाती है और 1/4 उसकी रहती है. हम जितना फैल सकते हैं उतना अपना सामान फैलाकर उस पर बैठ जाते हैं. तो ये भी एक राइटर ने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर प्रेजेंट किया था. वेन दे डू सो, सॉरी ये पढ़ लिया, द थॉट ऑफ गिविंग हेल्प टू अदर needy ones rarely stirs them. अब यहाँ पर ये कि किसी के ये जो stir, ये word आया इसका मतलब होता है झकझोरना. मतलब ये जितने rules और resolution हम अपने public places पे देखते हैं ना कि यहाँ पर ये कचरा नहीं फेंकना है, यहाँ पर queue में खड़े रहना है, तो ये जो सारी चीजें हैं इसको rarely ही कोई टच करता होगा. यानी ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो रेयरली किसी को समझ में आते हैं या कोई फॉलो करता है. तो ये एक इम्पोर्टेंट थिंग कि हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारे आसपास आके बैठता है पब्लिक प्लेस पे या जो भी है, वो उसने भी टिकट खरीदी, उसका भी उतना ही राइट है, क्योंकि वो इसीलिए वो पब्लिक प्रॉपर्टी कहलाती है, ताकि उसपे सार्वजनिक संपत्ति हम किसको कहते हैं, यानी कि जिसपे सबका अधिकार हो. हम अपनी गाड़ी में अगर उसको नहीं बिठाए तो चलो ये तो पब्लिक अपना पर्सनल हुआ, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो तो पब्लिक के यूज के लिए ही है. तो ये सारी चीजें नेक्स्ट टाइम हमें ध्यान रखनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ चीविंग बिटल विद तमाकू. यहाँ बिटल का मतलब होता है पान. बहुत सारे लोगों को पान खाने की या तम्बाकू खाने की आदत होती है. दे स्पिट एंड स्पिट, स्पिट एंड स्पिट यानी थूकना बार बार मुंह से. फ्रीक्वेंटली ऑल अराउंड शोइंग नो रेस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी. वो बार बार हर कहीं पर, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो यानी कि बस हो, ट्रेन हो, कहीं पर भी जहां उनकी मर्जी आती वहां पर वो अपने मुंह में जो पान खा रखा होता है वो थूक देते हैं. ऐसा हम अपने पर्सनल गाड़ियों में कभी नहीं करेंगे. इवन कोई पार कोई थूक के चला जाएगा तो हम उससे लड़ाई करने चले जाएंगे कि हमारी गाड़ी खराब कर दी. तो जिस गाड़ी में वो ट्रैवल कर रहे हैं वो भी तो नेशन की ही है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो उसको खराब करने के राइट्स तो उनके पास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये सेंस हमारे अंदर नहीं होती है. दे फॉरगेट एंड दैट
दे हैव पेड फॉर जर्नी एंड नॉट फॉर स्पॉइलिंग द ट्रेन और बस. वो ये चीज भूल जाते हैं कि उन्होंने जो जर्नी वो कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो वो जर्नी कर रहे हैं, उस जर्नी के लिए टिकट खरीदी है. उन्होंने पूरी बस और ट्रेन नहीं खरीद ली है उस टिकट में कि अब ये पूरी बस और ट्रेन मेरी है, इसका जिस तरह चाहे मैं यूज कर सकता हूँ. दे थ्रो ऑल रबिश एंड लेफ्ट ओवर वॉट एवर दे सो डिजायर. वो हर वो चीज इधर उधर फेंकते हैं जो उनकी मर्जी होती है. Our public transport, our roads and streets, our public places and buildings are seen littered with all sorts of strange refuse that tell upon our health and vigor. अब यहाँ पर littered का मतलब है made dirty, गंदा करना. यहाँ पर shrinking का मतलब है giving bad smell, गंदी smell करना. Pels upon यानी कि बुरा प्रभाव डालना और vigor यानी कि शक्ति. अब ये पूरी लाइन का मैं मतलब समझा देती हूँ कि हमारे जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, रोड है, स्ट्रीट है, पब्लिक प्लेसेस है, बिल्डिंग है, जब हम इनमें जाते हैं किसी काम से, है ना, तो उसमें एक अजीब तरह की स्मेल आती है. वो गंदे होते हैं, बदबूदार होते हैं. आप कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक प्लेसेस पे जाइए, आपका हैंकी आपके नोज पे होगा क्योंकि वहां पर बैड स्मेल हो रही होती है. और ये वही लोग कचरा कर रहे हैं जो अपने घरों को साफ रखते हैं. तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो तो हमारे नेशन की है, उसको साफ करना हमारा सबसे पहला काम है. तो हम अपने घर को साफ रखते हैं लेकिन अपने बाहर की जगहों को, बाहर की जो पब्लिक प्लेसेस है उनको बिल्कुल भी साफ नहीं करते हैं. In spite of statutory warning, smoking is injurious to health, we do not notice and slump in the sale of cigarettes or bidis. अब यहाँ पर एक चीज ये भी है कि एक legal warning सब जगह लिखी जाती है, smoking is injurious to health. और हम सब जानते हैं कि स्मोक करना हमारी हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल है, लेकिन फिर भी पब्लिक प्लेसेस हो या जहां कहीं भी साइंस लग रहे होते हैं, लोग अक्सर इन जगहों पर स्मोक करते हुए नजर आ जाते हैं और ना ही इनकी सेलिंग मार्केट में कभी बंद हुई है. द प्रिटेंड इज द स्मोकर इज एन ओन एंजॉयमेंट डू नॉट थिंक ऑफ द पीपल अराउंड देम. समटाइम्स द सराउंडिंग बिकम अनफिट और ब्रीदिंग. अब यहाँ पर जो स्मोकर्स हैं, जो स्मोक करते हैं, वो अपने इंटरेस्ट के लिए स्मोक करते हैं, उनको ये अच्छा लगता है, लेकिन वो ये कभी नहीं सोचते कि हमारे पब्लिक प्लेस में स्मोक करने से आसपास जो उसका धुआं जा रहा है, जो स्मोक आसपास उड़ के जा रहा है, वो दूसरों को हार्म पहुंचा सकता है, दूसरों को अनकंफर्टेबल कर सकता है, दूसरों के लिए वो असुविधाजनक हो सकता है. अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन रही है, पैसिव स्मोक कॉजिंग मोर हार्म. यानी कि पैसिव स्मोक, जो स्मोक करता है स्मोकिंग, उसके लिए तो इंजीनियस है, लेकिन मोर हार्मफुल, ज्यादा हार्मफुल है उन लोगों के लिए जो उस स्मोक के धुएं में, वो जो स्मोकिंग का जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, उसमें अगर वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो उनके लिए ज्यादा हार्मफुल है. तो ये काफी अच्छा पॉइंट है, आप लोग भी इसको ध्यान रखेंगे. आजकल के काफी छोटे छोटे बच्चे, इवन 6, 7, 8 तक के बच्चे भी स्मोक करना स्टार्ट कर चुके हैं. और जो वीडियोस देख रहे हैं उनको भी अपने आप में पता होगा कि हम किन बैड हैबिट्स के अंदर कवर हैं और किन अच्छी हैबिट्स के अंदर कवर्ड हैं. तो ये चीज को ध्यान रखेंगे, स्मोक करना हमारे लिए भी हार्मफुल है और हम जिनके सामने बैठ के कर रहे हैं, जो स्मोक में ब्रीथ कर रहे हैं, उनके लिए मोर हार्मफुल है वो. यस, यहाँ पर अब थर्ड पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, ट्रैफिक सेंस से रिलेटेड है. ट्रैफिक के कुछ नियम, अब हर क्रॉसिंग पर कुछ नियम होते हैं, है ना, हर ट्रैफिक के कुछ नियम होते हैं कि आपको रेड लाइट पे स्टॉप होना है, येलो लाइट पे स्टार्ट होना है, ग्रीन लाइट पे मूव करना है,
जेब्रा क्रॉसिंग से फुट क्रॉस करना है, फुटपाथ पे चलना है, लेकिन कई बार इन सारी चीजों को हम अवॉइड करते हुए, अपने ट्रैफिक सेंस को अवॉइड करते हुए काम करते हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेंगे, we take roads as if they were specially meant for us only। हम रोड पर इस तरह चलते हैं और रोड का इस तरह यूज करते हैं कि वो सड़कें सिर्फ हमारे लिए बनी हैं, उस पे और कोई भी चल नहीं सकता है, वो हमारे अपने पर्सनल पैसों से बनी है, इस तरह से हम रोड्स का यूज करते हैं। Violation of traffic norms and driving rashly is considered sign or guarantee। Yes, यहाँ पर violation का मतलब है उल्लंघन करना। हम जितनी भी ट्रैफिक के नियम है उनका उल्लंघन करना, स्पेशली टूडेज जनरेशन, जो भी ट्रैफिक के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनका उल्लंघन करना हम अपने आप में ब्रेवरी मानते हैं, गारंटी है ब्रेवरी, ब्रेवरी मानते हैं कि हमने आज उस पुलिस वाले को चकमा दिया या इस रूल को फॉलो नहीं किया, इस क्रॉसिंग को रेड लाइट थी फिर भी हम लोग वहां से निकल कर बाहर आ गए। दो वैन बी रिक्वायर्ड सच गैलेंस प्रूव टू बी द रॉस्ट फॉरवर्ड। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये बहुत बुरी बात है, आप अपने आप में गलत साबित हो रहे हैं, ये आप कोई अपने आने वाले लोगों के लिए प्रेजेंट अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे। द मॉडर्न योर टेक प्राइड इज ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड, दे इग्नोर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग सच एज हाउ एंड वैन टू ओवरटेक अ व्हीकल, when to take a turn, obey the traffic signal, keeping a vehicle in order and smokeless driving with proper lens etc। yes, यहाँ पे कुछ नियम लिख रखे हैं कि आपको ओवरटेक कब करना है, किस तरह करना है, किस साइड से करना है, ये कुछ नियम होते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, इसको हम फॉलो नहीं करते हैं। कब टर्न लेना है, टर्न लेने से पहले आपको साइड लेने से पहले इंडिकेटर देना है, मतलब हम हर उस चीज का उल्लंघन करते हैं जो नियमों के रूप में हमारे सामने आती है। यहाँ राइटर बहुत सारे नियम, ये सब कुछ मुझे बताने की या पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सभी लोग गाड़ियां चलाते हैं और गाड़ी किस तरह से चलाते हैं, अक्सर इस बारे में मैं क्लास में डिस्कशन करती हूँ तुम लोगों से कि तुम लोग किस तरह से ड्राइव करते हो और कितना अपने आप में नुकसान पहुंचाते हो। The result is danger of life। और कई बार result ये निकलता है rules को follow नहीं करने का कि कई बार जान का खतरा बन जाता है या फिर accident हो जाता है। Accident में हम कुछ भी हो सकता है, हम मर सकते हैं, हमारा कोई body part damage हो सकता है, आजीवन के लिए हम handicap हो सकते हैं, तो बहुत सारे result हमारे सामने आ सकते हैं। It affects them as also the other moving around। In fact, the movement on road has become so ड्रीडिंग एंड अनसेफ एंड अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ मेनी ऑफ सेंसिटिव बींग्स। अभी जो गाड़ियां चलती है ना रोड पे, ये काफी डरावने वे में चलती है। आप लोगों ने देखा होगा यंगस्टर्स जब बाइक चला रहे होते हैं और प्लेन और सीधा हाईवे है तो उनकी गाड़ी सीधी नहीं चलती, रोड तो सीधा होता है लेकिन सीधी नहीं चलती, उनकी गाड़ी जिगजैग में चलती है, वो अपनी गाड़ी को फुल ऑन फ्लो से इधर और इधर मूव करते हुए ही चलाते हैं। तो इस ये जो चीजें हैं वो उनके लिए चाहे नुकसान देने होगी, उनके मजे के लिए होगी, लेकिन इससे दूसरे लोगों को काफी हार्म पहुंचता है, दूसरे लोगों की जान का खतरा काफी होता है। यानी कि जो नए नए गाड़ी चलाना सीखते हैं या जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो इस तरह की सड़कों पर जाने से डरते हैं, वो एक फियर पैदा करती है इस तरह की ड्राइविंग। गॉड नोज व्हाट क्लैम्पी में हैपन द नेक्स्ट मोमेंट। और इस तरह से आप ये नहीं बता सकते कि भगवान, आज हम जब यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हम जो यहाँ बोल रहे हैं, इसमें हमें ये भी नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। तो आपकी इस तरह की रफ ड्राइविंग जो है वो आपको भी नहीं पता है कि नेक्स्ट मोमेंट क्या हो जाएगा, क्या पता कोई बहुत बड़ा हादसा आपके लिए आपकी इस इग्नोरेंस की वजह से वेट कर रहा हो। द प्रिटी इज देयर नो कंट्रोल ऑन
गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कशन द लेसन ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, लेसन नंबर 8. वी हैव कंप्लीटेड आवर सम टॉपिक्स लाइक फॉर्मूला ऑफ IUPAC सिस्टम्स, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड सम ऑफ फॉर्मूलेस वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स. सो टुडे वी विल स्टार्ट from the topics of functional groups like chlorine, bromo, chloro, bromo, iodo, nitro, fluoro, and then we will discuss of the substituents like methyl, ethyl, propyl, and then other topics we will discuss in today class. So in previous class we already discussed about the chloro, bromo and some more, and today we will write more examples of methyl, ethyl, propyl with connect of hydrocarbons. So you will write numbers of formula at your home, and continuously you done a practice of at your home. So today our topic is methyl, ethyl and propyl and so more. So first we write the examples of ethyl, methyl, bromo, chloro. Okay, like this C, we write here methyl, and we have already done our topics the alkene, alkene and alkyne. So alkene, alkyne and alkene connect with the methyl, ethyl and so much more. So what is the name of this example? That is our main topics. आज हम ये चीज़ें पढ़ेंगे कि मेथिल कैसे कनेक्ट होता है, एथिल कैसे कनेक्ट होता है, कहाँ डबल बॉन्ड के साथ में, ट्रिपल बॉन्ड के साथ में, ये सारी चीज़ें अपनी जनरल आज डिस्कस करेंगे. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया आपके सामने, फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं अपन, है ना. तो फंक्शनल ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि एक तो एल्कोहल की भी बात करेंगे अपन, फंक्शनल ग्रुप में जब आएगा तो एल्कोहल की बात करेंगे, एल्डिहाइड की बात करेंगे, कार्बोक्सिलिक की बात करेंगे, कीटोन की भी बात करेंगे, है ना. तो और हैलोजन, तो हैलोजन के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, ये सब होता है, उनको भी कनेक्ट करके देखेंगे. लेकिन अभी अपन कुछ और पढ़ रहे हैं, जैसे मेथिल, एथिल ये सब्स्टिट्यूंट्स के तौर पे जाने जाते हैं, प्रतिस्थापी जो लगते हैं, वो प्रतिस्थापी कैसे होते हैं. जैसे मैंने यहाँ मेथिल कनेक्ट किया ना, तो ये सारा सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल है ना अपने पास. तो 1, 2, 3, 4, 5 क्या हो गया, 5 पे कौन है, पेंट, फिनिश. तो 5 पे पेंट आ गया अपना, और कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो पेंट पेंट ही रहेगा, पेंटिन तो होगा नहीं. तो सिंगल बॉन्ड के साथ में कौन कनेक्ट है, मेथिल. अब मेथिल देखो, इधर से गिन रहा हूँ मैं 1, 2, 3, इधर से गिन रहा हूँ 1, 2, 3, दोनों तरफ से काउंट करते हैं तो मेथिल कहाँ आ रहा है, 3 नंबर पे, है ना. CH3 मेथिल ग्रुप है, CH2 CH3 एथिल ग्रुप है, CH2 CH2 CH3 प्रोपिल ग्रुप है. ये सब कंटिन्यूसली बनते रहते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे पढ़ोगे, क्योंकि ये क्या है, टेक्निकल चीज़ें हैं, फॉर्मूले हैं, इजीली आपको लर्न नहीं होंगे, तो इसके लिए आपको इनको बार बार देखना पड़ेगा, भूल जाओगे. CH2 एथिल था या CH3 एथिल था, CH3 मेथिल था या CH2 मेथिल था, तो कुछ कन्फ्यूजन बना रहेगा ना, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है. तो आपको इसके अंदर बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना. बाकी पेंटेन, पेंटिन, पेंटाइन, ये ब्यूटेन, ब्यूटिन, ब्यूटाइन, इट्स नॉट अ मैटर, ये तो जल्दी याद हो जाएंगे ना. लेकिन ये ग्रुप्स आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है. तो मेथिल क्या हो गया,
वन टू थ्री एंड वन टू थ्री, अगर इधर से गिनते वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसा नहीं, वन टू थ्री पे मैथिल आ गया और इधर से गिनते वन टू थ्री पे आ गया, तो कहीं से भी काउंट करो क्योंकि है तो कॉमन ही, तो वन टू थ्री फोर फाइव, तो क्या हो गया, थ्री मेथाइल, थ्री मेथाइल पेंटिन या पेंटेन, पेंटिन नहीं, नॉट पेंटिन, पेंटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सब में, तो थ्री मेथिल पेंटेन इसका फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर यही मेथिल मैं यहाँ से हटा दूँ, मान लो यहाँ एच रहने दूँ है ना, और ये सी एच थ्री यहाँ लगा दूँ, तो ये ध्यान रखना आपको कि जो भी ग्रुप जुड़ेगा, जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा है ना, जो भी हेलोजन अटैच होगा वो कहाँ होगा, एच की जगह पर अटैच होगा, सी की जगह पर अटैच नहीं होगा। फर्स्ट चीज़ ये आप समझ लें अच्छी तरह ना, कहाँ कनेक्ट होगा, एच को हटा के आपको वो ग्रुप जोड़ना है। तो अब मैंने सी एस थ्री यहाँ लगा दिया, तो इधर से गिनो देखो, वन टू थ्री फोर पे चला गया और इधर से गिनो वन और टू पे आ गया। अब काउंटिंग किधर से चालू होगी, इधर से, पहले बता दिया ना मैंने, जहाँ से नज़दीक हो, जहाँ से शॉर्ट चेन बनती हो, ठीक है, इधर से गिनेंगे शॉर्ट चेन पे आ जाएगा है ना, जहाँ से लंबा नहीं गिनना पड़े, जहाँ से छोटा रास्ता हो वहीं से उसको काउंट करना है ना, क्योंकि अपन भी चलते हैं तो जहाँ चलना होता है, जहाँ लंबा जाना होता है, वहाँ क्या करता है, थोड़ा छोटा रास्ता बाईपास ढूंढते हैं कि जल्दी कैसे पहुँच जाऊँ। तो इस पर अगर आपने को आना है जल्दी, इधर से निकलेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, इधर से जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये क्या हो गया, वन और टू पे आ गया। अगर मैं इधर से क्या आता, वन टू थ्री फोर पे आता, तो इसको चेंज करते क्या बन गया, ये टू मेथिल पेंटेन, अगर समझ में। तो इस तरह से आपको फॉर्मूले बना के सीखते रहना। अगर मैं यहाँ मान लो डबल बॉन्ड लगा दूँ, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, कहाँ लगा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, तो हम बॉन्ड को वरीयता देंगे, ध्यान रखना। अगर बॉन्ड भी हो और ग्रुप भी हो, क्या कह रहा हूँ, बंद भी हो और कोई फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा हो या एलोजन ग्रुप भी जुड़ा हुआ हो, तो अपन बंद को पहले वरीयता देंगे या बॉन्ड को पहले काउंट करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या, बंद को पहले या बॉन्ड को पहले काउंट करेंगे। कैसे है कि अब मैं इस संख्या को हटा रहा हूँ, देखो क्या क्या मैंने इस नंबरिंग को मैंने हटा दिया है ना, इस नंबरिंग को जैसे मैंने हटाया तो क्या हो गया, देखो क्यों हटा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने कहीं पे एक बंद का यूज कर लिया, एक बॉन्ड का इस्तेमाल कर लिया ना, तो मैंने बॉन्ड कहाँ लगाया, यहाँ पे। तो अब इधर से कितना, वन टू थ्री, थ्री के बाद बॉन्ड आ रहा है, इधर से कितना, वन टू, टू के बाद बॉन्ड आ रहा है, तो जिधर बॉन्ड नज़दीक होगा, आप ये ग्रुप में नहीं देखना, आप अपने को क्या देखना, बॉन्ड को देखना है। तो वन टू के बाद बॉन्ड है, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव है ना। तो अब क्या हो गया, ये इस फॉर्मूले का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया फॉर्मूला, टू के बाद बॉन्ड है, टू के बाद तो इन हो गया, चार पे मैथिल है, तो क्या बन गया इसका नाम, फोर मैथिल टू पेंटीन, क्या बन गया, फोर मैथिल टू पेंटीन, लिखो इसी को पहले जाएगा, ग्रुप को लिखेंगे पहले, लेकिन नंबर का क्रम जो होगा वो बॉन्ड के आधार पर जाएगा, क्लियर। तो बॉन्ड जहाँ से नज़दीक है उधर से काउंट करेंगे। अगर बॉन्ड नहीं है, एन श्रेणी वाले हैं, एग्जांपल्स एन वाले हैं सारे है ना, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, मेथेन, एथेन, अगर ऐसे एग्जांपल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो आपको ग्रुप ही देखना है। अगर बंद भी है और ग्रुप भी है तो सबसे मेन काम आपको बंद को देखना है ना, कि बंद कहाँ से नज़दीक है, तो बंद नज़दीक जहाँ से नंबर उधर से डाल दें, भले वो वाला ग्रुप किसी भी नंबर पर आए तो उसका नंबर हम आगे ज़रूर लिख लेंगे। तो फोर मैप मैथिल गया तो फोर मैथिल, और टू के बाद डबल बॉन्ड है तो टू के बाद डबल बॉन्ड, तो बन क्या रहा है, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट, तो पेंटिन बन रहा है, तो टू पे पेंटिन है, तो टू पे पेंटिन लिख दिया, क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए अब और क्या चेंज होता है, अपन ने मैथिल एक लगा रखा है, मान लो मैथिल एक और यहां हो, कहां हो, यहां पे हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगाया, अपने से क्या मिस्टेक हुई, यहाँ डबल बॉन्ड लगाया मैंने, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम नहीं किया है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम नहीं किया, ये भी ध्यान रखना आपको है ना, जल्दबाजी में कोई रॉन्ग आंसर नहीं करके आना है। जहाँ अपन डबल बॉन्ड कनेक्ट कर देते हैं वहाँ से हाइड्रोजन को भी हटाना है, वहाँ से हाइड्रोजन को भी रिमूव करना है, तो ये यहाँ से मैंने हाइड्रोजन मिटा दिया, ठीक है, क्योंकि इसकी टेट्रावेलेंसी अपने को सही करनी थी, टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बनाना था, चतुष्फलकी बनाना था, ज्यामिति इसकी सही करनी थी, इसलिए अपन ने इसके हाइड्रोजन को कम कर दिया। अब मैंने एक मेथिल ग्रुप यहाँ लगाया, एक मेथिल ग्रुप यहाँ लगाया, ठीक है ना, तो अपने पास दो मेथिल ग्रुप हो गए, एक और दो, और स्ट्रक्चर वही है, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट, पेंटिन ही बन रहा है, पेंटिन टू पे ही टू पेंटिन बन गया, लेकिन मेथिल अपन ने क्या किया, एक की जगह दो इस्तेमाल कर लिए। तो उनका एड्रेस देखना है अपने को, क्या करना है, एड्रेस देखना है किसका, मेथिल का,
तो मैथिल का एड्रेस क्या, एक तो मैथिल है दूसरे घर में, एक मैथिल है चौथे घर में, तो जिस भी घर में मैथिल है उस घर के एड्रेस लिख दो। एक कहाँ है, टू पे, एक कहाँ है फोर पे, तो ये टू फोर। अब वो मैथिल दो बार है, देखो एक तो टू वाले घर में भी है, एक चार वाले घर में भी है, तो एक मैथिल ही रहा, एक मैथिल ही रहा, तो दो बार मैथिल हो गया। तो जब कोई चीज़ केमिस्ट्री के अंदर दो बार आती है तो उसको अपन बोलते हैं डाई। क्या लिखते हैं, डाई। एक बार आती है तो मोनो, और मोनो नहीं लिखोगे तो वो अंडरस्टैंडिंग है, एक ही है तो मोनो है, तो वो ऑलरेडी एक ही है दिख रहा है, लेकिन डाई के लिए या दो आ जाए तो डाई लिखना पड़ेगा, और तीन आ जाए तो ट्राई मैथिल है ना, फोर आ जाए तो टेट्रा। अब ये सिर्फ मैथिल के साथ लगे जरूरी नहीं है, एथिल दो है तो डाई एथिल, एथिल तीन है तो ट्राई एथिल, तो जो भी है चाहे वो एथिल हो या मैथिल हो, दो बार हो तो डाई लगा देना है और तीन बार हो तो ट्राई लगाना है। हाँ, लेकिन ध्यान भी क्या रखना है कि वो दो या तीन किस एड्रेस पे है, वो एड्रेस वाला जो घर का नंबर है वो घर का नंबर आगे डालना है, सिंपल सी बात ये। जैसे आपके घर के बाहर भी नेम प्लेट होती है 35 चाणक्यपुरी है ना, दो चाणक्यपुरी, दो गोवर्धन सागर, या दो गोविंद नगर, ऐसे कुछ ना कुछ आगे नंबर्स होते हैं। तो नंबर क्या है, आपका एड्रेस है। तो अब देखो मैथिल कहाँ है, एक तो दो नंबर पे, एक चार नंबर पे, तो दो और चार तो एड्रेस लिख दिया। अब केमिस्ट्री की गिनती के अनुसार ये दो बार है, तो दो बार के लिए क्या लगेंगे, डाई। तो डाई कहाँ आएगा, इस फोर के बाद। तो क्या नाम बन गया आपका इसके, कैसे लिखते हैं मैं बता दूंगा पूरा, कैसे लिखेंगे, टू और फोर। मैंने आपको पहले जो अपनी क्लास हुई थी उसमें बताया था कि जब संख्याएं अगर बार बार आ रही है उसके बीच में कॉमा लगाएंगे, और संख्याएं लिखने के बाद अगर हमें नाम लिखना पड़ रहा है तो उसके बीच में डैश लगाएंगे। इस डैश को क्या बोलेंगे, हाइफन। इसको क्या बोलते हैं, हाइफन। पहले बताया था मैंने आपको ये चीज, क्या बोलते हैं, हाइफन। इसको बॉन्ड नहीं बोलते हैं, नहीं डैश बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइफन स्ट्रक्चर। तो ये हाइफन का संकेत है, सिंबल है। तो टू और फोर दो संख्या है, इसके बीच में कॉमा लगा दिया, तो टू फोर डाई मैथिल टू पेंटिन। देखो टू फोर दो बार डाई, दो बार कौन, मैथिल, इनका पे दूसरे पे दो डाल दिया, अब बंद कर रहा है। इनका एग्जांपल कौन सा है, मैथ एट प्रोब्यूड पेंटिन, हो गया क्लियर। अब इधर देखो एक चीज और करेक्शन, इसी फॉर्मूले को अपन बार बार यूज कर रहे हैं ताकि बार बार मिटाना नहीं पड़े। अब मैं यहाँ एक हाइड्रोजन हटा रहा हूँ और यहाँ मैं एक एथिल जोड़ रहा हूँ, क्या कर दिया, एक मैथिल जोड़ दिया। चलो तो अपने पास मैथिल कितने हो गए, एक दो और तीन हो गए, ठीक है ना। अब तीन मैथिल हो गए और दो मैथिल तो एक ही नंबर पे लगे हुए हैं चौथे पे, है ना, दो मैथिल कहाँ है चौथे नंबर पे, एक मैथिल कहाँ है दूसरे नंबर पे, तो क्या बन जाएगा इसका, मैथिल कितने बार हो गए केमिस्ट्री की गिनती के अनुसार, तीन बार। तो तीन बार के लिए क्या लिखाते हैं अपन, ट्राई। तो ट्राई कौन है, मैथिल है, उसका एड्रेस क्या है, देखो टू फोर फोर, डाई की जगह क्या आ जाएगा, ट्राई, बस ये चेंज कर दिया, टू फोर फोर ट्राई मैथिल टू पेंटीन, क्लियर है ना। तो इस तरह से ज़्यादा एग्जांपल आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं है ना, जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो सूट आउट हो जाएगी, जल्दी आप सीख जाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बारंबार आपको प्रैक्टिस कर देंगे, है ना, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है ना। मैथमेटिक्स में क्या करते हो, जितने न्यूमेरिकल करोगे उतने ज़्यादा सीखते जाओगे ना, ऐसा नहीं क्लास में पढ़ा दिया और अपने ओरली उसको देख लिया तो समझ गए, ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब क्या होते हैं, इसको बार बार खोल के देखना पड़ता है और बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, नहीं तो दो दिन के लिए इसको छोड़ दो आप भूल जाओगे, तो आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। चलो अपन और एग्जांपल बनाते हैं, जैसे ये तो मैथिल का हो गया, एथिल है, प्रोपिल है ना, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इन सब के साथ अपन इसको लेते हैं ना। तो क्या बना दूं, देखो मैं इधर देखें आप, अब मैंने क्या बना दिया, देखो मैथ एट प्रॉप ब्यूट पेंट एग्जांपल हो गया अपना पेंट का, है ना, और अपन ने कुछ ग्रुप्स लगा दिए यहाँ पे, और मैं मान लो यहाँ डबल बॉन्ड कर देता हूँ, क्या कर दिया मैंने,
डबल बॉन्ड लगा दिया है ना, यहाँ से एक एच हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया, क्यों हटा रहा हूँ आप समझ गए होंगे है ना। तो अब मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया, अब आपके सामने ये स्ट्रक्चर है ना। क्लास में होते तो मैं आप प्रैक्टिकली करवा देता, नाम खड़ा करके पूछ लेता, लेकिन अभी ऑनलाइन में आप अपनी ईमानदारी अपने साथ रखें है ना। तो अब ये मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिख लिया है, तो इस एग्जाम्पल को आप नाम लिखेंगे, ठीक है। इसका नाम मैं आपको कल बताऊंगा कि इसका नाम क्या होता है, या फिर आप देख ले इसका पूरा नाम। अब देखा है एक चीज और जो मैंने इसके अंदर बताई नहीं आपको, वो विशेष आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान बताइए, जब बॉन्ड को गिनेंगे छोटी चेन गिनते हैं, क्या गिनते हैं, छोटी चेन, लेकिन जब वो एग्जाम्पल के तौर पर बड़ी चेन में जा रहा हो तो अपन लॉन्गेस्ट चेन को चुनेंगे। कैसे, इस चीज को यू ना बना के अपन क्या करेंगे, इस चीज को यू लेंगे अपन, क्या करेंगे, यू लेंगे। तो अब अपन पहले कितने कार्बन गिन रहे थे, एक दो तीन चार पांच, कितने गिन रहे थे, पांच। लेकिन अब ऐसा नहीं, क्योंकि इस चेन की वजह से इन दो कार्बन के एग्जांपल क्या गिन रहे थे, इतनी देर तो अपन इसको एथिल समझ रहे थे, लेकिन एथिल नहीं है, ये कार्बन की चेन ही थी। तो क्या हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः कार्बन हो गए। इधर से गिनो, वन टू थ्री के बाद डबल बॉन्ड, इधर से गिनो, वन टू थ्री के बाद डबल बॉन्ड। तो जैसे भी आप चाहें उधर से नंबर डालें या इधर से नंबर डालें, तो इधर से डालेंगे तो भी थ्री के बाद, और इधर से डालेंगे तो भी थ्री के बाद ही डबल बॉन्ड बन रहा है। बाकी क्या कर रहे थे आप, चेन यहाँ से गिन रहे थे ना, तो मैथ एथ प्रॉप ड्यूट पेंट लिख देते, तो पेंट कहाँ आ जाता, टू पेंटिन बन जाता, लेकिन ये टू पेंटिन नहीं, क्या है ये, थ्री नंबर यहाँ आ रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है ना। तो क्या हो गया, सिक्स पे हेक्स आता है, डबल बॉन्ड है, हेक्सिन हो गया, थ्री के डबल बार डबल बॉन्ड है, तो क्या हो गया ये, थ्री हेक्सिन। अब थ्री हेक्सिन है ये, लेकिन थ्री हेक्सिन में आप देखो इसके साथ मेथिल ग्रुप भी जुड़े हुए, कौन कौन से मेथिल ग्रुप हैं, तीन पे देखो ये कार्बन के साथ तीन एच जुड़े हुए हैं, तो ये कार्बन के साथ तीन एच है, तो अपन इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, H3C या CH3। तो एक मेथिल ग्रुप तो ये हो गया और दूसरा मेथिल ग्रुप ये हो गया, तो एक कहाँ है, तीसरे पे, और एक कहाँ है, चौथे पे, तो क्या हो गया, थ्री फोर डाई मेथिल थ्री हेक्सीन। क्या हो गया, एक थ्री पे मैथिल है, एक चार पे मैथिल है, तो थ्री फोर कोमा बीच में हाइफन डाई मैथिल, दोबारा डाई दोबारा मैथिल, तो डाई मैथिल थ्री पे हेक्सीन, तो थ्री हेक्सीन। समझ गए बात, तो कार्बन की लॉन्ग चेन काउंट करनी है, समझ गए हो। तो इस तरह से एग्जाम्पल आप जितने भी ज़्यादा सोल्व करोगे, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा सीखोगे। इसके आगे अपने को और भी बहुत सारे लेने हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, कीटोन, ये अपन अभी अगली जब क्लास होगी उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। Now this is the judicial system, Nyayik Vyavastha. First, I will read, and whenever I find some important thing, I'll ask you. The king used to be the supreme head of judicial system. So in Nagi Vata, king sabse top level pe tha, he was the head. So it means that the last decision was in the hands of king. Village courts, gaon ki jo courts hoti, were present at lower level. It was not so that all the justice or all the decisions were made by king. It was a centralized way of judicial system, lower level from upper level to higher level. So village level may be courts in which gramini and gram vridha used to be give judgment. Ye uski panchayat jaisa bana hua tha. Sangrahan
द्रोणमुख वेयर द कोर्ट्स ऑन लोकल एंड जनपद लेवल, जैसे नाम अभी अभी होता है तहसील लेवल पे होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, देन स्टेट लेवल पे होती है और सुप्रीम कोर्ट हायर लेवल पे होती है। तो इस तरीके के लेवल लेवल्स है। अब वन ऑफ दिस देयर वाज अ सेंट्रल कोर्ट ऑफ पाटलिपुत्र वेयर द किंग यूज्ड टू बी द हेड। अपार्ट फ्रॉम ग्राम संघ द किंग्स कोर्ट ऑल द अदर कोर्ट्स वर ऑफ टू टाइप्स। जैसे आज के जमाने में टू टाइप्स ऑफ कोर्ट होते हैं ना, दीवानी और फौजदारी, तो वो उनको जैसे बोलते थे उस तरीके से। तो ये है फर्स्ट वन इज धर्मस्थीय। द वर्क ऑफ गिविंग जजमेंट इन दिस कोर्ट वॉज इन द हैंड्स ऑफ थ्री धर्मस्थस। तीन जज होते थे, उनकी क्वालिटीज क्या होती थी, हु वर एक्सपर्ट ऑफ रिलीजियस साइंस धर्म और व्यवहारिक एंड द थ्री अमात्यस। तो ये जिसको बोलते हैं कि धर्म की जानकारी रखने वाले, धर्म में किसी सजा का क्या प्रावधान है, ऑल दिस थिंग्स दे वर स्कॉलर्स, दे वर एक्सपर्ट्स एंड दे हैड नॉलेज, साउंड नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। धर्मस्थीय यूज्ड टू बी अ सिविल टाइप, टाइप ऑफ सिविल कोर्ट। यू हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड, धर्मस्थीय यूज्ड टू बी अ टाइप ऑफ सिविल कोर्ट। अब वहां पे कैसे को केस आते थे, केस एसोसिएटेड विद थेफ्ट, चोरी, रॉबरी, डाका एंड लूट, विच वेर ऑल्सो नोन एज साहस, वेर ऑल्सो प्लेस्ड इन धर्मस्थीय कोर्ट। नेक्स्ट, केसेस एसोसिएटेड विद एब्यूजिंग, किसी को गाली गलौज करना, डिसरिस्पेक्ट, अपमान करना, बीटिंग, मारपीट करना एक्सेट्रा, वेयर ऑल्सो प्लेस्ड इन दिस कोर्ट, वो भी इस कोर्ट के पार्ट थे, विच वेयर कोल्ड वाक पुरुष और दंड पुरुष। सो बेसिकली धर्मस्थीय वॉज अ कोर्ट इन विच मेजर क्या क्या आते थे, केसेस ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, लूट, अपार्ट फ्रॉम दैट एब्यूजिंग, डिसरिस्पेक्ट एंड बीटिंग, इन सभी का जो डिसीजन होता था वो धर्मस्थीय में। सेकंड इज यू कैन सी वॉज कंडक्ट शोधन, दीज वेयर क्रिमिनल कोर्ट्स, थ्री प्रदेश स्तरीय एंड थ्री अमात्यस जॉइंट हैंड्स टूगेदर एंड सॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन। अब डिस्प्यूट्स किसके बीच में है, बिटवीन द स्टेट एंड रिस्पेक्टिव पर्सन। इफ एनीबडी हैज प्रॉब्लम विद सिस्टम, विद एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो वो अगेंस्ट में जा सकता है। जैसे आज के जमाने में अगर हमको गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई केस करना हो, देन यू विल हैव टू अप्रोच हाई कोर्ट। ये एक प्रकार का हायर लेवल था। द सिटी मैजिस्ट्रेट वॉज कॉल्ड व्यवहारिक महामंत्र एंड द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वॉज कॉल्ड रज्जुक। इंपॉर्टेंट है इसको टिक करना। अकॉर्डिंग टू चाणक्य देर आर फोर मेन ऑर्गन्स ऑफ लॉ, कानून के चार स्तंभ होते हैं, दे आर धर्म, रिलीजन, व्यवहार, बिहेवियर, चरित्र, कैरेक्टर एंड शासन, मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन। वंस अगेन, फोर मेन ऑर्गन्स ऑफ लॉ आर धर्म, व्यवहार, चरित्र एंड शासन। सो दीज आर द फोर कोर्ट्स इन विच you can see these are the four main organs of law. Next we move on to our page number, as you can see 9. Let me just zoom in. Now this topic, Mauryan society, is very much important. Whenever anything will be asked about Mauryan dynasty, you will have to write about this. This is Mauryan society. And what was the format of society, how society used to be constituted, कैसे उसके अंदर castes थी और क्या उनका basis था of living, कैसे सब जीवन यापन करते थे, कैसे रहते थे, this we will find in this thing, Mauryan dynasty society. We get information about the social system of Mauryan period through texts. आपको किताबों से वर्णन मिलता है। अब which are the books? Again, इस लाइन में आपको you will have to remember the name.
गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा था सम्राट अशोक के बारे में, तो लास्ट अपन ने पढ़ा था कि उसकी मृत्यु हो गई थी 1837 में, उसके द्वारा जो अभिलेख थे उसको पढ़ा गया था। उसके बाद 40 वर्ष शासक करने के पश्चात 332 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके कमजोर उत्तराधिकारियों का शासन रहा। अशोक के बाद पूर्णांग राजा बना, जिसे दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया। अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके कमजोर उत्तराधिकारों का शासक रहा। अशोक के बाद कुणाल राजा बना, जिससे दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया है। अंडरलाइन कर देना, ठीक है। फिर है कश्मीर का बाद राज तरंगे के अनुसार उस समय जलोक कश्मीर का शासक था। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया था। कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया था। ये सारे शासक क्या थे? कमजोर शासक थे, जिस कारण से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। बृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट था, यह अंडरलाइन करना, ये याद रखना है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त। उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर मगध में शुंग वंश की स्थापना की थी। अब अपन पढ़ते हैं मौर्य प्रशासन। मौर्य काल में भारत ने पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी। उससे पहले भारत में जो भी राज्यतंत्र था वो सब भारत में छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। सर्वप्रथम मौर्य साम्राज्य ने ही पूरे भारत को एक रूप में संगठित किया था। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निषिद्ध किए गए हैं, अंडरलाइन करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र, ये एक राज्य के अंग हैं। एक राज्य तभी पूर्ण होता है जब उसके अंदर एक राजा हो, अमात्य मतलब मंत्री, जनपद मतलब एक पूरा क्षेत्र, दुर्ग यानी किला, फिर एक कोष का मतलब होता है धन, सेना और मित्र। राजा द्वारा मुख्यमंत्री पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भलीभांति जांच के बाद ही की जाती थी। इस क्रिया को उपधा परीक्षण कहा गया है, यह याद रखना। मतलब जो एग्जाम होते हैं उनके, जो मंत्रियों की नियुक्ति के लिए जो एग्जाम होते थे उसको उपधा परीक्षण कहा गया था। ये लोग मंत्रिमंडल के अंतर्गत सदस्य थे। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परीक्षा मंत्रिण भी होता था, जो एक तरह से मंत्री परिषद था। अब अपन सबसे पहले लेते हैं अपन केंद्रीय प्रशासन। अर्थव्यवस्था में 18 विभाग दिए गए हैं। कुल कितने विभाग हैं? 18, जिन्हें कहा गया है तीर्थ, ये याद रखना। 18 विभाग हैं जिन्हें तीर्थ कहा गया है। तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र, अंडरलाइन करेंगे, महामात्र कहा गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। युवराज जो राजा का पुत्र ही होता था। अब केंद्रीय प्रशासन हो गया। अब इसमें है समाहर्ता, मुख्य आता है। जो ये 18 विभाग हैं जिन्हें तीर्थ कहा गया है, उन 18 विभागों में पहला है समाहर्ता। इसका कार्य राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना। फिर है सन्निधाता, जिस कोषाध्यक्ष, सम्राट के विभिन्न भागों में कोष, ग्रह और अन्नागार बनवाना। अर्थशास्त्र में 26 विभागों का उल्लेख है। एक मिनट, जैसे कोषाध्यक्ष सीताध्यक्ष, यानी कि कृषि विभाग का अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहा गया।
पणियाध्यक्ष, व्यापार का जो मुख्य अध्यक्ष होता था उसे पणियाध्यक्ष कहा गया है। सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई वाला, लूनाध्यक्ष यानी बुचड़खाना यानी मांस का व्यापार करने वाला, विवता अध्यक्ष चारागाह, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करने वाला, मुद्राध्यक्ष पोतवा अध्यक्ष, बंधना गाराध्यक्ष आटविक वन का विभाग का प्रमुख होता था इत्यादि। युक्त और उपयुक्त महामात्य तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में नित्य निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। ये सब बड़े अध्यक्ष थे जिन्हें महामात्य कहा जाए। इनके अंदर नीचे के अंदर व्यक्ति जो कार्य करते थे उन्हें युक्त और उपयुक्त कहा गया है। अब हो गया केंद्रीय प्रशासन, अब प्रांतीय, उसके बाद है प्रांतीय प्रशासन। अशोक के समय मगध के 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है, मतलब केंद्र कौन सा था, मगध, जो वहां की राजधानी थी। उसके बाद उसने बाकी के क्षेत्र जो विजित कर रखे थे, उसने जीत रखे थे, उनको 5 भागों में विभाजित कर रखा था। जो पहला है उत्तराखंड, तक्षशिला, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर का जो क्षेत्र है वही क्षेत्र पूरा उत्तराखंड कहलाता था, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। फिर है अवंती राष्ट्र जिसकी राजधानी है उज्जैनी, कलिंग जिसकी राजधानी है तोशली। ये अवंती राष्ट्र उज्जैनी है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान और थोड़ा उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र आता है ये वाला क्षेत्र है, और कलिंग उड़ीसा इस तरफ, झारखंड, पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है वो इस क्षेत्र में आता है। फिर है दक्षिणा प्रांत, स्वर्णगिरी, ये आता है अपने दक्षिण में केरल और इसके आसपास के क्षेत्र। फिर है मध्य प्रदेश जहाँ पाटलिपुत्र, ये उत्तर प्रदेश और बिहार, नेपाल आदि का क्षेत्र आता है। प्रांतों का शासन राजवंशी कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। प्रांत विषयों में विभक्त, केंद्र हो गया, प्रांत हो गए। अब प्रांत भी विषय में, विषयों में विभक्त थे। जैसे अपन पढ़ते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य फिर जिलों में विभक्त है, उसी प्रकार जिलों को अपन कह सकते हैं विषय। जो जहां विषय पतियों के अधीन होते थे वहां के अध्यक्ष को का क्या कहा गया है, विषयपति। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था जो समाहर्ता के अधीन था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप था, और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है ग्राम, इसमें नहीं है फिर भी अपने कॉपी में नोट कर लेना, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम है, ठीक है, और उसका अध्यक्ष है गोप। ग्राम के ऊपर अपन जाते हैं तो जिले आ जाते हैं। प्रशासनिक जो विषयों में विभक्त थे उसका अधिकारी स्थानिक कहलाता है, उसके ऊपर अपन प्रांतीय आ जाते हैं। अब जो कि 10 गांवों का शासक संभालता था, जो गोप था 10 गांवों का शासक संभालता था। समाहर्ता के अधीन प्रदेशिक नामक अधिकारी भी होता था जो स्थानिक गोप ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। इन सभी कार्यों के लिए एक प्रदेशिक अधिकारी होता था जो इन सभी के कार्यों की जांच करता था। अब अपन पढ़ेंगे नगर प्रशासन। मेगनिस्ट के अनुसार नगर का शासक प्रबंध में 30 सदस्यों का एक मंडल था जो कि जो कि 6 समितियों में विभक्त था। 6 समितियों में 30 की सदस्यों की संख्या थी जो 6 विभाग विभक्त थे। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण, द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करना, तृतीय समिति जन्म मरण का लेखा जोखा करना, चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य देखना, पांचवी समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना, और छठी समिति है विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री के लिए बिक्री कर के रूप में वसूलना। प्रत्येक समिति के 5 सदस्य होते थे, वही 5 हो गए, 5 × 6 = 30 सदस्य टोटल है। 5 समितियां हैं और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे सैन्य व्यवस्था। सेना के संगठन हेतु पृथक सैन्य विभाग थी, इसमें भी 6 समितियां थी और इसमें भी प्रत्येक में 5-5 सदस्य थे। तो अपन
कह सकते हैं प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी। ये 5 विभाग इस प्रकार है, पहला है पैदल सेना, दूसरा है अश्व सेना, तीसरा है हाथी, चौथा है रथ और पांचवा है नौसेना। ये दे रखा पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। नौसेना मतलब जो समुद्र या नदियों में नावों द्वारा इधर आक्रमण करते थे। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल, अंडरलाइन करेंगे सब जने, ये अंतपाल, सैनिक प्रबंध की देखभाल करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता है। ये अपन जो पूरा अपन चैप्टर पढ़ेंगे इसमें एक एक लाइन के प्रश्न सबसे अधिक बनते हैं। इसकी पूरी एक पीडीएफ फाइल मैंने बना रखी है जिसमें एक एक लाइन के सारे प्रश्न दे रखे हैं। पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा जो कि मैं बाद में व्हाट्सएप पे अपलोड करवा दूंगा, उसमें देख लेना आप। फिर भी इस पर घर पे बैठ के इस पूरे पार्ट को पढ़ना है। सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी अंतपाल होता था। मेगन स्थित इंडिका जिसने अपनी पुस्तक लिखी थी, ये यूनानी शासक का एक राजदूत था, के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6,00,000 पैदल और 50,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी और 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। किसके अनुसार? मेगनिस के अनुसार। अब है न्याय व्यवस्था। सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। न्याय व्यवस्था है वैसे बैठा रखी थी, फौजदारी अलग है, दीवानी अलग है, पर फिर भी अगर किसी में विवाद हो तो सर्वोच्च अधिकारी अपन कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट अगर कोई था उस समय तो सम्राट ही था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थी जहां ग्रामीणी और ग्रामवध अपना निर्णय देते थे, या फिर कह सकते हैं सबसे नीचे अपन पंचायत कह सकते हैं, पंचायत में जो ग्राम पंचायत बैठती और अपने निर्णय करती, या सरपंच होता है जो निर्णय कर लेता है, या अपन एक छोटा रूप देखें कि अपने समाज में अगर कोई समस्या हो तो समाज के व्यक्ति बैठ कर और समस्या का सुलझारा करते हैं, तो उसी प्रकार सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था, यानी कि कह सकते हैं सबसे बड़ा न्यायालय कहाँ था? पाटलिपुत्र में। उस समय ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय दो प्रकार के थे। वही मैंने बता दिया, दीवानी और फौजदारी जो समय उसमें क्या नाम था? धर्म स्थिर। पहली न्यायालय कौन सी थी? धर्म स्थिर। इन न्यायालयों में निर्णय कार्य धर्म शास्त्र के में निपुण 3 धर्मस्थ और व्यवहारिक और 3 अमात्य करते थे। धर्म स्थिर एक प्रकार की दीवानी अदालत होती थी। दीवानी अदालत का मतलब होता है चोरी, डाका, लूट, जिन्हें साहस कहा गया, यहाँ पे ये भी दे रखा है, जिन्हें साहस कहा गया है, जो मामले होते थे वो दीवानी अदालत में या धर्म स्थिर अदालत में आते थे। धर्म स्थिर अदालत में रखे जाते थे कुवचन, मानहानि, मारपीट के मामले भी धर्म स्थिर न्यायालय में ही लाए जाते थे, जिन्हें वाक पारुषय या दंड पारुषय कहा गया है। अब दूसरी न्यायालय है कंठशोधन। ये एक फौजदारी न्यायालय थी जिसमें 3 प्रदेशाधीश तथा 3 अमात्य मिलकर राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय करते थे। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीश को राजुक कहते थे। दोनों में देख लेना, नगर का जो न्यायाधीश होता है उसे व्यवहारिक महामात्र कहा गया है और जनपद का जो न्यायाधीश होता है उसे राजुक कहा गया है। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 प्रमुख अंग हैं, यह भी अंडरलाइन करेंगे, धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 प्रमुख अंग हैं, धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। अब यह तो हो गया अपने न्याय व्यवस्था। अब आते हैं मौर्यकालीन समाज। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मैगनीज के कृत इंडिका तथा अशोक के अभिलोखों से मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने वर्ण आश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। कौटिल्य ने 4 वर्णों की व्यवस्था का निर्धारण भी किया है।
वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य अन्य जातियां जैसे निषाद, पार्श्व, रथकार, श्रता, वेदेहक, सूत, चांडाल आदि का भी उल्लेख किया। चार प्रमुख वर्ण बताए हैं जो सबको पता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो जनजातियां थी उनका भी उल्लेख चाणक्य ने किया है। इसके अलावा मैगनीज के इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में विभक्त किया गया, ये याद रखना है। चाणक्य ने 4 बताए हैं और मैगनीज ने 7 बताए हैं, जिसमें दार्शनिक, किसान, पशुपालक, शिकारी, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, समासद तथा अन्य शासक वर्ग। मैगनीज के ने अपने वर्गीकरण में जाति, वर्ण और व्यवस्था के अंतर को भुला दिया। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति अधिक उन्नत नहीं कहा जा सकता, फिर भी स्मृति काल की अपेक्षा अधिक अच्छी स्थिति थी में तथा उन्हें पुण्य विवाह और नियोग की अनुमति थी। ये हो गया मौर्य साम्राज्य पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगला अपन पढ़ेंगे शुंग वंश और सातवाहन वंश पढ़ेंगे, जो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।